Hey, what's up everyone? This is मैं सोनू मिश्रा बैक इन न्यू वीडियो। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आप लोगों में से कई सारे लड़कों ने कमेंट किया कि भाई ये हो सकता है कि आपने जो ट्रीटमेंट लिया है, मिनोक्सिल वगैरह जो यूज़ किया है, आपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलकर नहीं किया, अर्थात डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने मिनोक्सिल यूज़ नहीं किया है, जिसके वजह से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि आपने मिनोक्सिल कभी यूज ही नहीं किया, आप बस हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इन दो क्वेश्चंस का, बाकी जो भी आपको डाउट्स है मेरे से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली उससे पहले दादू मैं चैनल में फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ही देना। वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ जाकर मुझे कर लेना फॉलो, या फिर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बेसिकली बात करूँ, यहाँ पर आपको एक पर्ची दिख रही होगी, पर्ची में प्रॉपर डॉक्टर का जो है सब कुछ लिखा हो, थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ तो क्योंकि सिक्योरिटी का ध्यान में रखकर। उसके बाद मैं बता दूँ, आप यहाँ पर डेट देख रहे होगा, डेट आप स्पष्ट लिखा हुआ है 20 दिसंबर 2017। मैंने सबसे पहला ट्रीटमेंट दिसंबर 2017 में 20 तारीख को लिया था, जैसा कि आपको इस पर्ची में स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है। साइड में आपको नाम दिख रहा है मिस्टर सोनू, एज दिख रहा है 90 ईयर ओल्ड, मतलब 19 साल की एज में 2017 में मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था। उसके बाद डॉक्टर ने प्रॉपर लिखा हुआ है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरा एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिक है, इसमें कोई गड़बड़ मतलब कोई तो ये ऐसा नहीं है कि कोई डाउट भी नहीं है, मुझे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ही है। इस बात को सुनकर मैं भी बिल्कुल जो है कहता हूँ कि हाँ एग्री हूँ। उसके बाद बात करें, डॉक्टर ने मुझे 4000 रुपये की जो है मेडिसिन लिखी थी। 4000 रुपये में क्या क्या मेडिसिन थी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले डॉक्टर ने मेडिसिन कितनी की थी बता दूँ, मतलब जो मेरा टोटल खर्चा आया था वो आया था 4000 रुपये। सबसे पहले डॉक्टर बताऊँ मैं आपको कि डॉक्टर का फीस था वो 1000 रुपये था, 1000 पर कंसल्ट डॉक्टर की फ़ीस थी, 1000 रुपये जो है डॉक्टर की फ़ीस थी। उसके बाद डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है आपके पर्ची में दिख रहा होगा, सबसे पहला है उनका बायोस्कैलिन। बायोस्कैलिन की जो प्राइस थी वो उस टाइम पर 1200 रुपये थी, आज के रेट में ऑलमोस्ट वो बढ़ चुका है 1300+ है, लेकिन उस टाइम पर वो मुझे 1200 रुपये की पड़ी थी बायोस्कैलिन। बात करेंगे इसके इफेक्ट की तो मैं आपको आगे बताऊंगा, सबसे पहले आपको मेडिसिन बता देता हूँ। उन्होंने दूसरा बताया था मोरफ 5% का उस टाइम पर जो प्राइस था वो था 550 रुपये, और उन्होंने तीसरा टैबलेट लिखा था केराग्लोमेन। केराग्लोमेन मुझे उस टाइम पर एक महीने की 550 रुपये की पड़ी थी, एंड चौथा उन्होंने एक शैम्पू लिखा था ग्रेफ हेयर शैम्पू, जिसकी प्राइस थी 1000 अर्थात 1000 रुपये की शैम्पू। इस तीसरी दवाई मुझे 3 महीने यूज़ करनी थी, बायोस्केलन उसमें मुझे 15 ड्रॉप डेली यूज़ करना था पूरे 3 महीने तक, और मोरफ मुझे 1 ml लगाना था सुबह शाम। केराग्लोमेन मुझे दिन में एक बार ही खाना था, और चौथा जो ग्रेफ हेयर शैम्पू है मुझे वीक में 3 दिन यूज़ करना था। अब देखो टोटल प्राइस की बात करूँ मैं, टोटल प्राइस मुझे ये पड़ा था 3000 कुछ रुपए की, मतलब 3200 रुपए की मुझे मेडिसिन थी, और मैं अच्छे खासे मेडिकल स्टोर पे गया था, वहाँ पर जो वही मतलब जान पहचान के थे ज़्यादा, तो मुझे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट 250 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। टोटल मुझे मेडिसिन पड़ी थी वो 3000 रुपये की पड़ी थी। अब 3000 रुपये की मेडिसिन, 1000 रुपये का डॉक्टर का फीस, 4000 रुपये एक महीने का खर्च करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब मैं बताऊँ कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया और मुझे फ़ायदा क्या हुआ। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मोर एफ 5% मैंने प्रॉपर यूज़ किया था पूरा 1 महीना, और बायोस्कैलिन भी मैंने 1 month ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने यूज़ किया था। केराग्लोमेन मैंने पूरी टैबलेट 1 महीने खा गया था, पूरा टैबलेट 1 महीने खा गया था। उसके बाद ग्रीफ हेयर शैम्पू, ये शैम्पू मैंने 3 महीने से प्लस यूज़ किया था, क्योंकि शैम्पू काफ़ी मतलब बड़ा था, काफ़ी बड़ा था ग्रीफ हेयर की, आपको फोटो भी यहाँ पर दिख रही होगी, 1000 रुपये का था, मतलब बेसिकली ये 3 महीने तक यूज हो गया था। अब बात करूँ देखो, आफ्टर 1 month मैंने मोरफ छोड़ दिया था, बायोस्कैलिन को मैंने कुछ दिन यूज़ किया था। बात करूँ इनके फ़ायदे की तो मुझे इनका फ़ायदा थोड़ा बहुत लगा कि बाल झड़ना रुक गया है, या फिर कभी मतलब, लेकिन स्वेलिंग वगैरह थी उस टाइम पर क्योंकि मोरफ 5% था तो स्टार्टिंग में स्वेलिंग थी, इसलिए मैंने मोरफ को बहुत जल्दी छोड़ दिया था। बायोस्कैलिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता था कि बायोस्कैलिन अप्लाई करने से कहीं ना कहीं जो है मेरे को रिजल्ट थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन उतना नहीं मिल रहा था जितना मुझे संतुष्ट कर पाए जितने से। अब बात करें देखो ग्रीफ हेयर शैम्पू की बात करता हूँ, ग्रीफ हेयर शैम्पू मैंने 3 महीने प्लस यूज़ किया था, क्योंकि एक शैम्पू मैंने ऐसे यूज़ किया था जो मैंने डॉक्टर से पहली बार लाया था, दूसरी बारी मैं एक उसको फिर से परचेज कर लिया था 1000 रुपये का, उसको भी मैंने प्रॉपर यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दोबारा डॉक्टर से मिला नहीं, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मेरे पास 4000 रुपये महीने के खर्च करने के नहीं थे, पैसे के कारण मैंने अपना इलाज छोड़ दिया। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि उतना मुझे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं लग रहा था, और बाल जो है आपको जैसा पता ही है कि मेरे जो है इंक्रीज भी हो गया था झड़ना, इसके वजह से मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा ये पैसे वेस्ट है और मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता, बिकॉज उस समय मेरी अर्निंग कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से बहुत कम थी, तो 4000 रुपये महीने का खर्च करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये थी मेरी सबसे पहली
ट्रीटमेंट जो मैंने अपने बालों के लिए स्टार्ट किया था, 4 से 5 मतलब 5.5 हज़ार रुपये मैंने टोटल खर्च किए थे पहली बारी में। और मतलब 5.5 हज़ार कैसे खर्च, मैं बताया तो आपको, दो बारी मैंने सैंपल ली तो 1,000 रुपये हो गया, एक बारी फिर से मैंने किराया ग्लो मेन ली थी तो 500 रुपये की वो भी आई थी, मतलब टोटल मुझे जो है 5.5 हज़ार रुपये तक बैठा था। तो ये थी मेरी प्रॉपर जो है नॉक्सिल की जर्नी। इसके बाद 2-3 वीडियो और लाऊंगा, इसके बाद मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, छोड़ने के बाद मैंने कब कैसे स्टार्ट किया। जुड़े रहो चैनल, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।